राजधानी पटना के कदम कुआं थाना इलाके से दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके ऊपर पीएम केयर फंड के नाम पर ठगी करने का आरोप है। दिल्ली से बिहार आई पुलिस की एक स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की है और मुसल्लापुर से दोनों शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। दोनों के पास से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। दो अन्य लोगों का लोकेशन बिहार के दूसरे ज़िले में मिला है। इनके साथियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम पटना से पकड़े गए दोनों शातिर बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पीर बहोर के थानेदार ने बताया कि पकड़े गए शातिरों द्वारा पीएम केयर फंड के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर कई लोगों से ठगी की गई है। इसकी जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कर रही है। दिल्ली पुलिस ठगी के मामले में आई है और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि जांच के दौरान ही दो आरोपियों का लोकेशन कदम कुआं में मिला था। कदम कुआं क्षेत्र का मामला होने के बावजूद पीर बहोर थाना पुलिस के साथ छापेमारी करने गए। पुलिस ने मुसल्लापुर से राकेश कुमार तो पटना सिटी से सलीम खान को उठा चुकी है। सलीम खान मूल रूप से बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है। शनिवार की देर रात दिल्ली पुलिस पटना पहुंची और पीर बहोर थाने की पुलिस के साथ छापेमारी की। पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखा गया। इसकी कारण कदम कुआं थाने की पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि सूत्रों की माने तो दोनों पीएम केयर फंड के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुके हैं। पीर बहोर थानेदार ने कहा कि दो लोगों को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ले गई है। सूत्रों की माने तो दोनों जिस गैंग के लिए काम करते हैं वो पीएम केयर फंड के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुका है। ये गैंग पीएम केयर फंड या फिर पीएम राहत कोष का फर्जी लिंक लोगों को भेजकर उनसे डोनेशन के नाम पर ठगी करता रहा। 2020 में लॉकडाउन के बाद ये गैंग सक्रिय हुआ। ये गैंग दर्जनों लोगों से ठगी कर चुका है। मामले में कई और साइबर ठगों को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।